स्टार्ट करते हैं चैप्टर 49 प्लैनेट्स. ओके, सो यहाँ पर हम ग्रहों के बारे में जानेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प जोन. डैश इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है मरकरी. ओके, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा और फास्टेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. ऑर्बिटिंग द सन वंस इन एवरी 88 डेज. जो सूर्य के जो चक्कर हैं वो कैसे लगाता है, 88 डेज में एक बार लगा लेता है. सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, राइट. सरफेस टेम्परेचर ऑन मरकरी रेंजेस फ्रॉम अबाउट. सरफेस टेम्परेचर क्या रहता है वहाँ पर, -173 डिग्री सेंटीग्रेड से 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक. द क्रस्ट एंड मेंटल आर लार्जली मेड ऑफ रॉक्स. जो वहाँ पर क्रस्ट है और मेंटल है वो लार्जली ज़्यादातर बने हुए होते हैं, बड़े बड़े जो बने हुए होते हैं वो रॉक्स के बने हुए होते हैं. ओके, तो आगे चलते हैं. नंबर 5 पर है बीथोवन, टॉलस्टॉय, शेक्सपियर आर द नेम्स ऑफ क्रेटर्स ऑन मरकरी. नाम है ये तीनों मरकरी पर क्रेटर्स के. क्रेटर्स क्या होता है बच्चों, क्रेटर्स कटोरे के आकार का ग्रहों की सतह पर कोई गड्ढा की तरह होता है, जैसे कोई गड्ढा या कोई होल हो जाता है जो कि किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण होता है. वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अब सन से जो सेकेंड प्लैनेट है वो है वीनस. वीनस शाइन्स लाइक अ स्टार इन द नाइट स्काई. वीनस रात के आसमान में तारे की तरह चमकता है बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है रिफ्लेक्ट्स सनलाइट वेल. वो सनलाइट इस पर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है. ओके, सो वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार. वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है बिकॉज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ इन द इवनिंग. क्योंकि शाम को ये अर्थ से भी देखा जा सकता है. दिखता है ना, स्टार्स दिखते हैं आपको. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट विथ टेम्परेचर. वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है और टेम्परेचर क्या रहता है वहाँ, 462 डिग्री सेंटीग्रेड. वीनस इज सो हॉट. वीनस इतना गर्म है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर. क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है. ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, राइट. यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वीनस. वीनस पर के सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 90 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे. मतलब अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर वीनस के सरफेस पर है. ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.